the new topic of conic section, which is parabola. तो आज बात करते हैं हम लोग parabola की, which is also called parabola. जिसे आप लोग जब क्रिकेट में सिक्स मारते हैं तो बॉल इस टाइप से मूव करती है. तो ये जो पाथ होता है, दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक पाथ. तो भी आज पैराबोलिक पाथ की हम लोग स्टडी करेंगे. सो लेट अस टेक टू कोऑर्डिनेट्स, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज एनी फिक्स्ड पॉइंट एस, एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड द पी इज अ पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एस फ्रॉम एम विल बी इक्वल, दैट इज पी एस इक्वल टू पी एम. तो कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एस एंड फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन विल बी कॉल्ड पैराबोला. दैट इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी कैन से दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स, और वी कैन से लोकस ऑफ अ पॉइंट पी विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एस एंड फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन. तो भी ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि फिक्स पॉइंट एस से और स्ट्रेट लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग पैराबोला बोलते हैं. दैट इज ऐसे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे जिनकी डिस्टेंस एस से और स्ट्रेट लाइन एम से सेम होगी, इक्वल होगी. इन पॉइंट्स को हम लोग, इन पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग पैराबोला बोलेंगे. सपोज ऑन दिस पैराबोला देयर आर मैनी पॉइंट्स पी क्यू आर एस, द डिस्टेंसेस फ्रॉम क्यू टू एस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू दिस स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल इन ऑल द केसेस. फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड आर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम आर टू दैट स्ट्रेट लाइन. तो वी कैन से दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एस विल बी कॉल्ड पैराबोला. तो ऐसे पॉइंट पी का लोकस जो कि ऑलवेज इक्विडिस्टेंट होता है इस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट एस से और इस स्ट्रेट लाइन से, तो ऐसे पॉइंट के लोकस को हम लोग पैराबोला कहते हैं. दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला. दिस फिक्स्ड पॉइंट विल बी कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स. This is called directrix of the parabola. Start करते हैं, आगे मूव करते हैं. Then we will see. Let us draw two axes. This is x axis and this is y axis. Then this is a parabola and this is a straight line which is called directrix, and this point will be called focus of the parabola having coordinates a comma 0. तो भी P point है जिसके coordinate suppose x comma y है, तो this is any point on the parabola and the distance of PS will be equal to distance of PM. पी एस के डिस्टेंस इक्वल होगी पी एम के इन द केस ऑफ पैराबोला. पी एस विल ऑलवेज बी इक्वल टू पी एम. तो सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आर ए कॉमा जीरो, दैट मीन्स देखिए ये वाला पॉइंट भी पैराबोला पे है, ये वाला पॉइंट भी पैराबोला पे है. मतलब क्या हुआ कि सपोज दिस पॉइंट इज क्यू, देन क्यू एस
QS will be equal to QT. देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि S जो भी पॉइंट पैराबोला पे होगा उसकी डिस्टेंस फोकस से और इस स्ट्रेट लाइन से इक्वल होगी, है ना। तो अगर ये डिस्टेंस A है तो ये डिस्टेंस भी A होगी। दैट मीन्स इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे उनकी ऑलवेज x से डिस्टेंस A होगी। दिस इज अ डिस्टेंस A. Hence we can say that the equation of this straight line will be equal to x equal to minus a, or we can say that x plus a equal to 0. Hence in this case the coordinates of focus, if the coordinates of focus are a comma 0, then equation of the directrix will be x equal to minus a or x plus a equal to 0. अभी आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट आप P ले लेंगे तो उस पॉइंट की एक फिक्स्ड पॉइंट दैट इज फोकस और उसके डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज सेम होंगी, ठीक है। तो सपोज हमने एज्यूम किया कि फोकस के कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 है, तो यहां पर एक हम लोगों ने पॉइंट ले लिया q, q भी पैराबोला पे है, मतलब क्या हुआ कि q की फोकस से डिस्टेंस और q की इस स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी, है ना। तो दैट मींस qs विल बी इक्वल टू qt। अभी qs will be equal to क्या हो जाएगा QT। यहाँ पे QS को हमने पहले ही assume किया है A, तो QT की भी value क्या हो जाएगी, QT की value भी A हो जाएगी। That means इस वाली straight line पे X की value सभी जगह पे minus A होगी, क्योंकि ये X negative direction of X axis में है, तो X will be equal to minus A, और we can say that X plus A will be equal to 0. Now the next definition of this parabola is its eccentricity. तो भी बात करते हैं what is the meaning of eccentricity of any conic section. तो E, it is defined, denoted by E, it will be equal to PS upon PM. That is, we can say that eccentricity of any conic section of parabola, in this case eccentricity of a parabola will be equal to the ratio of its length, the ratio of its distance from the focus and perpendicular distance to the straight line. मतलब क्या हुआ कि किसी भी conic section की जो eccentricity होती है, eccentricity को हम लोग define करेंगे the length, the distance between point P to the focus, to the ratio between the point P to the focus and the distance between point P to the straight line. तो ये जो P से लेके S तक की डिस्टेंस है और P से उस स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस है, उन दोनों डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला। तो E विल बी डिफाइंड बाय PS अपॉन PM. In the case of parabola, PS will be equal to PM. Hence, eccentricity for the case of parabola will be equal to 1. तो हम लोग याद रखेंगे parabola की eccentricity 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि eccentricity defined है point P की S से distance PS और PM का जो रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी। और एक्सेंट्रिसिटी इन द केस ऑफ पैराबोला PS इक्वल टू PM इक्वल है, दैट मींस E विल बी इक्वल टू 1. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज यूज्ड इन द केस ऑफ पैराबोला, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ एनी पैराबोला। तो एक्सिस क्या होती है? एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच
is perpendicular to the directrix of the parabola, which this will be called axis of the parabola. Axis क्या होती है? Axis is a straight line. Axis एक ऐसी straight line होती है जो कि directrix पे perpendicular होती है. तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो line है, ये line, this line is perpendicular on the directrix. Hence, this will be called axis of the parabola. तो axis क्या होती है? Axis of the parabola is a straight line which is perpendicular to the directrix. तो एक ऐसी straight line जो perpendicular होती है directrix के, that will be known axis of the parabola. Now the next definition of vertex, vertex of parabola. तो a point at which axis cuts the parabola is called vertex. मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर पैराबोला एक्सिस को कट कर रहा है, एक्सिस को मीट कर रहा है, दैट पॉइंट विल बी नोन एज वर्टेक्स. देखिए यहां पर ये तो पैराबोला हो गया, ये पैराबोला हो गया, एंड दिस इज एक्सिस. तो ये एक्सिस और ये पैराबोला कहां पे कट कर रहा है? ये पॉइंट पे. तो जहां पर एक्सिस पैराबोला को कट करती है, मीट करती है, दैट पॉइंट विल बी नोन एज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. तो सो ये क्या हो गया? दिस विल बी एक्सिस ऑफ पैराबोला, दिस इज अ पैराबोला, दिस इज अ पॉइंट पी, दिस इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला, दिस विल बी नोन एज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, एंड दिस पॉइंट एट विच पैराबोला कट्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अभी हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करेंगे. वी नो दैट suppose this is x axis and this is y axis and this is a parabola, this is a point P x comma y, this is focus having coordinates a comma 0. focus को हम लोग ना भी बोलते हैं, focus जो parabola का होता है उसको हम लोग ना भी बोलते हैं, directrix को हम लोग नियता बोलते हैं, और जो vertex होता है उसको हम लोग परवलय का शीर्ष कहते हैं. तो भी दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, जिसको हम लोग नियता भी बोलते हैं, इसकी इक्वेशन होती है x प्लस a इक्वल टू जीरो पे. तो सपोज इसका वर्टेक्स a कॉमा जीरो, इसका जो फोकस है वो a कॉमा जीरो है, एंड द वर्टेक्स इज जीरो कॉमा जीरो इन दिस केस. अभी हम लोग क्या करते हैं कि पी एस को ज्वाइन करते हैं, हम लोगों ने पी एस को ज्वाइन किया, और P से इस स्ट्रेट लाइन x प्लस a इक्वल टू जीरो पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि m पे मीट करता है. नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला PS विल बी इक्वल टू PM. भाई इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि पैराबोला पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो इसकी डिस्टेंस SA और इसकी जो वर्टिकल परपेंडिकुलर लेंथ होगी PM, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो इक्वल होगी, दैट इज PS विल बी इक्वल टू PM. अभी हम लोग क्या करते हैं कि PS की डिस्टेंस निकाल लेते हैं. दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला आप लोग जानते हैं, फार्मूला होता है रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. तो भी ये फार्मूला यूज करेंगे तो PS की वैल्यू आ जाएगी, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ PS, दैट इज एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर. इट इज द
डिस्टेंस बिटवीन पीएस। अभी क्या करेंगे, पीएम की लेंथ फाइंड करेंगे। तो पीएम की लेंथ फाइंड करने के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी किसी पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन से एक लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करते हैं तो उसकी लेंथ होती है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे आप पीएम भी फाइंड कर सकते हैं एंड द वैल्यू ऑफ पीएम विल बी इक्वल टू, अभी आप ड्रॉप कर रहे हैं परपेंडिकुलर एक्स कॉमा वाई से, दैट इज एक्स प्लस ए अपॉन रूट ऑफ, देखिए एक्स का कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर, यहां पर एक्स का कोफिशियंट का स्क्वायर वन है तो वन का स्क्वायर, वाई का कोफिशियंट जीरो है तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट व्हाट वी विल गेट, दैट इज एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। या आप स्क्वायर ओपन करेंगे देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू फोर ए एक्स। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। तो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विल बी वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। तो अभी हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट का एक क्विक रिवीजन करते हैं। दीज आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज अ पैराबोला, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स हैविंग फोकस ए कॉमा जीरो एंड द डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू माइनस ए और एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स having coordinates 0, 0, any point P on the parabola XY having distance PS will be equal to PM। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे जिससे हम लोग एक पैराबोला को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल की हेल्प लेकर के कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। Find equation of a parabola having focus at 2, 0 and इसका focus जो है वो 2, 0 है। That is suppose this point is 2, 0 तो ये इसका फोकस है एंड वर्टेक्स एट 0, 0 और इसका वर्टेक्स 0, 0 है। तो अभी हम लोग इक्वेशन को इस टाइप से ड्रॉ करेंगे एंड वी नो दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आर इन दिस केस a, 0 दैट इज द वैल्यू ऑफ a इज हियर इक्वल टू 2। देखिए ये वर्टेक्स हो गया और वर्टेक्स से जो फोकस की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग ए डिनोट करते हैं। तो यहां पर ए की वैल्यू हो गई 2, तो ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2। इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस ए इन दिस केस एक्स इक्वल टू माइनस 2 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड द डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला which is y square equal to 4ax, if we put a equal to 2, then y square will be equal to 8x। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, आप इससे इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहां से डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, दैट इज x प्लस 2 इक्वल टू 0, लेट अस टेक दिस पॉइंट p हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन The distance PS will be equal to PM
आप पीएस फाइंड करेंगे दैट इज अंडर रूट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और आप इस पॉइंट पी से जब एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी एक्स प्लस टू अपॉन रूट ऑफ वन, दैट इज स्क्वायर कर दें बोथ साइड, देन वी विल गेट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे देन एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स, कैंसल्ड आउट बोथ साइड, देन वी विल गेट वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एट एक्स. तो सो बाय दिस वे वी कैन फाइंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन द केस ऑफ एनी पैराबोला. नाउ सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ द पैराबोला दैट आर वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ एनी पैराबोला. तो इसको हम लोग फोर टाइप्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पैराबोला ओपनिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. जो भी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जिसकी ओपनिंग होती है, इसका फॉर्मूला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स. तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है पैराबोला की, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स. यहां पर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इन दिस केस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स इज जीरो कॉमा जीरो एंड द कोऑर्डिनेट्स दिस विल बी फोकस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस विल बी ए कॉमा जीरो एंड द एक्सिस इज एक्स एक्सिस. यहां इस पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, दैट इज y इक्वल टू जीरो. हम लोग जानते हैं कि x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू जीरो. देन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला विल बी x इक्वल टू माइनस ए और x प्लस ए विल बी इक्वल टू जीरो. तो दिस इज अ पैराबोला हैविंग ओपनिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. अभी सेकेंड टाइप का हम लोग पैराबोला देखेंगे. अब पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स द माइनस एक्स डायरेक्शन, तो एक्स एक्सिस की जो नेगेटिव एक्सिस होती है तो उधर इसकी ओपनिंग होती है. तो यहां पर इन दिस केस ऑफ पैराबोला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स विल बी जीरो कॉमा जीरो एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोकस विल बी माइनस ए कॉमा जीरो. देखिए ये अगर डिस्टेंस ए होगी तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, तो माइनस ए कॉमा जीरो एंड इट्स एक्सिस विल बी. अब इसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, अगेन इसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, दैट इज वाई इक्वल टू जीरो एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी जो कि इधर से ए डिस्टेंस पर होगी. वी कैन से दैट एक्स इक्वल टू प्लस ए और एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स. अभी हम लोग एक थर्ड टाइप के पैराबोला की बात करेंगे, ओपनिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस. पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स इन दिस केस विल बी इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो और इसका जो फोकस है वो वाई एक्सिस पर होगा और इसके कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कॉमा ए. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोकस विल बी जीरो कॉमा ए. इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसकी जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, दैट इज वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस की इक्वेशन आप जानते हो एक्स इक्वल टू जीरो. अगर हम बात करें इसकी डायरेक्ट्रिक्स की तो वो ये लाइन होगी जो कि एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस नीचे की साइड होगी, दैट इज वाई इक्वल टू माइनस ए और वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो. नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ पैराबोला विच इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स. तो ये एक पैराबोला है
जिसकी ओपनिंग वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, दैट इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई हैविंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स आर 0,0. इसका फोकस होगा एट, फोकस विल बी 0,-a, 0,-a. एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस, अगेन ये एक्सिस है दैट इज वाई एक्सिस, वी कैन से दैट एक्स इक्वल टू जीरो. एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स विल बी, ये इसके डायरेक्ट्रिक्स होगी क्योंकि ये डिस्टेंस ऊपर होगी, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज वाई इक्वल टू प्लस ए और वाई माइनस ए इक्वल टू जीरो. तो दीज आर फोर डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ एनी पैराबोला. अभी हम लोग देखा कि चार टाइप के पैराबोला होते हैं, तो जब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कंपेयर जब करेंगे तो आपको किस वाले फॉर्म से कंपेयर करना है. तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये चार टाइप्स हैं, इन चार टाइप्स में आपको ध्यान ये देना है कि आप जो क्वेश्चन गिवन है उसको किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोकल कॉर्ड एंड लैटस रेक्टम ऑफ एनी पैराबोला. किसी भी पैराबोला की फोकल क्वाड क्या होती है और लैटस रेक्टम क्या होता है. तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड ऑफ एनी पैराबोला. तो भैया किसी भी पैराबोला की क्वाड क्या होगी, तो क्वाड आप जानते हैं क्या होती है कि पैराबोला पे कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए आप, सपोज दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू, और लाइन ज्वाइन कर दीजिए पी क्यू को. तो द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द पैराबोला विल बी कॉल्ड इट्स क्वाड. तो क्वाड क्या हो जाएगी, पैराबोला पे आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, मेरा ये पॉइंट्स लेने का मन है आप ये ले लीजिए, ये पॉइंट्स लेने का मन है आप ये पॉइंट्स ले लीजिए. तो लेट अस टेक एनी टू पॉइंट्स ऑन द पैराबोला एंड द लाइन ज्वाइनिंग टू दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड इट्स क्वाड. नाउ फोकल क्वाड, अगर आपको कॉर्ड समझ में आ गई है तो फोकल कॉर्ड अच्छे से समझ पाएंगे. दैट इज अ कॉर्ड ज्वाइनिंग, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू इट्स फोकस, एक ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस से पास होती है उस कॉर्ड को हम लोग फोकल कॉर्ड बोलेंगे. अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द फोकस विल बी नोन एज इट्स फोकल कॉर्ड. तो इसको हम लोग नाभीय जीवा भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नाभीय जीवा. तो कॉर्ड इज कॉल्ड जीवा, और ऐसी जीवा जो कि नाभि से पास होकर के जाती है, फोकस से पास होती है, उसको हम लोग नाभि जीवा या फोकल कॉर्ड कहते हैं. तो आपको कॉर्ड समझ में आ गया, उसके बाद आपको फोकल कॉर्ड समझ में आ गया. फोकल कॉर्ड समझने के बाद हम लोग पहुंचते हैं लैटस रेक्टम पर. लैटस रेक्टम क्या होती है, एक ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस पर परपेंडिकुलर होती है, एक ऐसी फोकल क्वार्ड जो कि फोकस से पास हो और फोकस पे परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटस रेक्टम. तो लैटस रेक्टम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी फोकल क्वार्ड जो फोकस से पास हो और फोकस पर परपेंडिकुलर हो, तो इसको हम लोग लैटस रेक्टम कहेंगे. तो लैटस रेक्टम क्या होता है, एक ऐसी फोकल क्वार्ड which is perpendicular on the focus will be called its lattice rectum. तो भी आपको कुछ समझ में आया, quad समझ में आया, then focal quad जो कि quad focus से पास होती है और जो focus पे perpendicular होती है, that will be called lattice rectum. और detail से भी example की help से हम लोग समझते हैं. Suppose this is a parabola and this is focus having coordinates a comma 0. Any line, any chord passing through focus will be called its focal chord. And a focal chord which is perpendicular on the focus will be known as its lattice rectum. So it will be called its lattice rectum. तो इसके coordinates a comma 0 है, तो इसके इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट, दिस इज सपोज दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू,
तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देखिए परपेंडिकुलर है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है ए होगा और इसका भी कोऑर्डिनेट ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हैविंग फोकस ए कॉमा जीरो, तो अगर किसी भी पैराबोला का फोकस ए कॉमा जीरो हो तो उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। अभी x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट x इक्वल टू a, इस पॉइंट पर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू क्या होगी, आप इसमें x इक्वल टू a पुट कर दीजिए, देन वी विल गेट y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, दैट इज y इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2a और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2a। तो समझ में आ गया कि लैटिस रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे a कॉमा 2a एंड a कॉमा माइनस 2a, एंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम विल बी, देखिए ये 2a और ये 2a, दैट इज 4a। तो कोई भी जो लैटिस रेक्टम होगी उसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे, a कॉमा 2a एंड a कॉमा माइनस 2a, एंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम विल बी इक्वल टू 4a। Now the next topic, that is general equation of a parabola. The general equation of a parabola. General equation क्या होगी कि suppose this is any parabola having focus at h comma k. इसका जो focus है वो h comma k पर है. And the equation of its directrix is Lx plus My plus N equal to 0. तो जो directrix है इसकी equation है Lx plus My plus N equal to 0. And the coordinates of its focus are H, K. तो भी इसकी equation हम लोग कैसे find करेंगे? हम लोग जानते हैं main definition, basic concept. This will be axis of the पैराबोला और हम लोग यहां पर कोई पॉइंट ले लें P इस पैराबोला पे, यू नो दैट एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला इट विल सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी दैट इज PS विल बी इक्वल टू PM, दैट इज P पॉइंट को आप फोकस से ज्वाइन करें और ये डिस्टेंस और P से आप फोकल कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होती है। तो बाय the definition of parabola we know that PS equal to PM. In this case suppose the coordinates of point P are x comma y, then PS will be equal to root of x minus h ka whole square plus y minus k ka whole square is equal to PM. ab is pe perpendicular drop karenge, this will be Lx plus My plus N upon root of L square plus M square. अभी आप square करेंगे both side, then squaring both side we get, हम लोग दोनों side square कर दें और हम लोग को मिलेगा x minus h का whole square plus y minus k का whole square equal to Lx plus My plus N का whole square अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट आफ्टर सिंप्लीफाइंग एम एक्स माइनस एल वाई का होल स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एंड दिस विल बी कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एनी पैराबोला। तो भी हम लोगों ने देखा था कि जब हमने सर्किल की एक जनरल इक्वेशन सर्कल के फाइंड किया था तो उसमें जो एक्स स्क्वायर था और वाई स्क्वायर था उन दोनों के कोफिशियंट सेम थे इन द केस ऑफ अ सर्कल, और एक्स वाई वाला टर्म मिसिंग था। यहां पर क्या है कि जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट एम स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट एल स्क्वायर होगा, डिफरेंट होगा, और यहां पर एक्स वाई वाला टर्म भी होगा। दैट मीन्स इन द केस ऑफ सर्कल द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल टू सेम एंड इक्वल टू वन,
and the xy term will be absent. But in the case of any parabola, the general equation will be like this: mx minus ly ka whole square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Now the parametric equation of a parabola, y square equal to 4ax. Suppose a parabola has y square equal to 4ax, if any point x1 comma y1 lies on the parabola y square equal to 4ax, then it will satisfy the equation, that is y1 ka square will be equal to 4ax1. मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी पॉइंट पैराबोला पे होगा तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4ax1. लेट पुट 80 स्क्वायर इन प्लेस ऑफ x1 एंड 280 इन प्लेस ऑफ y. 280 इन प्लेस ऑफ y. आप x1 की जगह 80 स्क्वायर पुट कर दीजिए और y1 की जगह 280 पुट कर दीजिए एंड वी विल गेट y1 स्क्वायर, दैट इज 280 का स्क्वायर विल बी 4a एंड 80 स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर विच इज ट्रू. दैट मीन्स the points 80 square comma 280 will be on the parabola. So ye points parabola pe honge. These are called parametric coordinates and t is called parameter. So this is equation of parabola in parametric form. Now position of a conditional point with respect to parabola. Suppose एक parabola दिया गया है हम लोगों को, which is y square equal to 4ax, और हम लोगों को एक पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है कि वो पॉइंट पैराबोला पर होगा, पैराबोला के इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा. तो लेट अस टेक अ पॉइंट x1 comma y1. तो हमने x1 और y1 एक पॉइंट ले लिया एंड वी आर गोइंग टू फाइंड दैट दिस पॉइंट विल बी ऑन द पैराबोला, इनसाइड द पैराबोला और आउटसाइड द पैराबोला. तो सपोज दिस इज इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, दिस इज पैराबोला एंड हियर दिस इज एनी पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 comma y1. दिस इज एक्सिस ऑफ द पैराबोला विच इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस. तो आप एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. सपोज इट मीट्स ऑन पॉइंट एम एंड दिस विल मीट पैराबोला ऑन पॉइंट क्यू. अभी क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स x1 और यहां पर वाई की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होगा, y1 की वैल्यू सपोज y1 डैश होगी. अभी हमने क्या किया, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसने कि पैराबोला को Q पर कट किया और एक्सिस को M पर मीट किया. तो इसके X कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 और Y की वैल्यू हो जाएगी 0. तो सिंस Q लाइज ऑन द पैराबोला, तो Q तो भैया पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा पैराबोला की इक्वेशन को, दैट इज y1 डैश का होल स्क्वायर विल बी 4ax1.
तो वाई वन डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट फोर ए एक्स वन। तो यहां से वाई वन डैश की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली विच इज फोर ए एक्स वन। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे y1 डैश की वैल्यू y1 से। y1 डैश की वैल्यू आप y1 से कंपेयर कर लीजिए। इफ y1 इक्वल टू y1 डैश, अब अगर y1 और y1 डैश इक्वल, दैट मींस कि एक पॉइंट x1 कॉमा y1 विल लाई ऑन द पैराबोला। तो ये पॉइंट जो है ना वो पैराबोला पे होगा। सेकेंड कंडीशन, इफ y1 लेस देन y1 डैश, अभी y1 की वैल्यू y1 डैश से कम है मतलब अंदर है, तो देन इट मींस द पॉइंट x1 कॉमा y1 विल इनसाइड द पैराबोला। लास्ट केस, इफ y1 ग्रेटर देन y1 डैश, जैसा कि यहां पर शो हो रहा है कि y1 is greater than y1 dash. In this case, the point x1 comma y1 will outside the parabola. तो इस टाइप से हम लोग किसी भी पॉइंट की पोजिशन फाइंड कर सकते हैं कि इट विल लाई ऑन द पैराबोला, इनसाइड द पैराबोला और आउटसाइड द पैराबोला। Now let us take some most important examples of this chapter. Example number find the equation of directrix of a parabola x square equal to minus 8y. अब एक parabola हम लोग ले रहे हैं x square equal to minus 8y. x square अब compare कीजिए minus 4ay से and we get 4a equal to 8, that is a equal to 2. और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8y, सेम एग्जांपल जो अभी मैंने डिस्कस किया था, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8y, अ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स और इसका जो फोकस होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कॉमा माइनस 2 और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, द डायरेक्ट्रिक्स विल बी, अभी देखिए सपोज दिस पॉइंट P ऑन द पैराबोला एंड दिस इज इट्स फोकस S, then PS will be equal to PM. So if this is 2, then this also will be equal to 2. Hence the equation of directrix will be y equal to 2, or the equation of directrix y equal to 2 or y minus 2 equal to 0. So इस टाइप से हम लोग इस पैराबोला की directrix find कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज एट 2 कॉमा माइनस 3 एंड इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम लोग को एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका फोकस 2 कॉमा माइनस 3 पे है और जिसकी डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 5 इक्वल टू 0 पे। तो हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन याद रखेंगे विच इज, सपोज दिस इज फोकस हैविंग कोऑर्डिनेट्स a कॉमा 0 एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला विच इज x प्लस a इक्वल टू 0, देन एनी पॉइंट p लाइज ऑन द पैराबोला, इन दिस केस ps विल बी इक्वल टू pm। तो ये वो फार्मूला है जो आप गांठ बांध कर रखेंगे इन द केस ऑफ, इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी पैराबोला, ps विल बी इक्वल टू pm। दैट इज p से आप s की डिस्टेंस निकालेंगे ps, और P से आप डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, PS आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं यहां पर S के 2, 3 एंड लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वुड बी x, y, देन PS
will be equal to root of x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दैट इज y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो भी आप p और s के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ps will be x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। और आप इस पॉइंट p से जब इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दैट विल बी pm, और pm की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ 1, दैट इज मॉड x प्लस 5। यहां पर केवल हम लोग पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन अ मॉडुलस हियर। अभी दोनों इक्वल होंगे, सिंस ps इक्वल टू pm, आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए एंड वी विल गेट रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू x प्लस 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे एंड वी गेट x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। यहां से x स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आप इस इक्वेशन को कुछ फॉर्म में लिख पाएंगे लाइक दिस, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 एंड इक्वल टू ये 4x और 10x, इट विल बी 14x, 4x और 10x मिलके 14x हो जाएंगे एंड 4 उधर जाएगा तो 25 माइनस 4 विल बी 21। आप लिख सकते हैं इस इक्वेशन को y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 14x प्लस 21। तो इस टाइप से हम लोग पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी गिवन। सो हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता हो, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला विल बी इक्वल टू इट्स फोकस, PS will be equal to perpendicular on the directrix. That is the basic concept. The key concept will be PS equal to PM in the case of parabola. Now, the next question is, in the parabola, in a parabola, y square equal to 8x, the focal distance, focal distance is 4 units. तो focal distance given है 4 units के, और हम लोगों को coordinates of its center, coordinates of its focus and the equation of directrix, everything should be fine. तो हम लोग find करते हैं parabola की equation given है y square equal to 8x, तो हम लोग कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो कंपेयर करने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा 4ax इक्वल टू 8, दैट इज a इक्वल टू 2। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोकल डिस्टेंस, है ना, फोकल डिस्टेंस क्या होता है। देन दिस इज अ पैराबोला, दिस इज एनी पॉइंट p ऑन द पैराबोला, देन द डिस्टेंस ps इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस, इसे हम लोग नाभीय दूरी कहते हैं। तो PS will be focal distance, PS की वैल्यू क्या होती है और इसके डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, AX plus A equal to 0। तो PS और PM, फिर मैंने बताया PS और PM कैसा होता है, सेम होता है, जब आप इस पर डायरेक्ट्रिक्स पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी मॉड X plus A अपॉन रूट n, दैट इज PS will be equal to X plus A। तो PS की डिस्टेंस आ जाएगी X plus A। तो हियर इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फोकल डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स, दैट इज एक्स प्लस ए विल बी इक्वल टू 4, एक्स ए की वैल्यू पुट कर दीजिए और एक्स की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 2। तो अभी हमें उन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, उन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है जहां पर फोकल डिस्टेंस क्या हो, 4 यूनिट्स हो। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज पॉइंट ऑन द पैराबोला विच हैविंग फोकल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4 यूनिट्स।
तो भी आप वैल्यू पुट कर दीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 8x, अगर ये पॉइंट पैराबोला पे है तो उसको सेटिस्फाई भी करेंगे, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 2 16 एंड वी गेट y इक्वल टू प्लस माइनस 4, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज पॉइंट्स विल बी 2,4 एंड 2,-4 who will be on the parabola and having focal distance equal to 4 units. तो उनके coordinates क्या होंगे? 2,4 and 2,-4. अब इस parabola की अगर हम लोग coordinates find करते हैं vertex के, या फिर हम देखा कि a की value है 2, तो vertex के coordinates हो जाएंगे 0,0. अगर हम लोग focus के coordinates find करेंगे तो 2,0. इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करेंगे, देन एक्स इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस विल बी एक्स एक्सिस, दैट इज वाई इक्वल टू जीरो. तो हम लोग काफी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं. अभी हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं, नेक्स्ट जो भी हम लोगों को टफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगेंगी वो हम लोग नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे.